मैं हूं अभी हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। बॉम्ब की धमकियों के दरमियान बच्चे पहुंचे स्कूल। नया दिन, नई उम्मीद, नए सवेरे के साथ कल के खौफनाक यादों को पीछे छोड़कर नई सोच और बेखौफ बच्चे कल बॉम्ब के धमकियों की परवाह किए बिना अपने भविष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए बच्चे शिक्षा के मंदिर स्कूल में आज पढ़ाई के लिए पहुंचे। कल टेंशन और खौफ में रहे माँ बाप भी आज बच्चों को स्कूल छोड़ते समय नॉर्मल हालत में नजर आए, जबकि आज भी कई स्कूलों को छुट्टी दी गई है मैनेजमेंट की ओर से, जो अब तक इस सदमे से बाहर नहीं निकले। जबकि 48 स्कूल में बॉम्ब की धमकी के ईमेल के बाद 48 FIR दर्ज हुए हैं अलग अलग पुलिस थानों में। प्राइवेट गाड़ियों में भी पैनिक बटन और GPS सिस्टम कंपलसरी। आए दिन बस और प्राइवेट वाहनों और खासकर शक्ति योजना से महिलाओं का सफर ज्यादा हो गया है। इनकी सुरक्षा को लेकर दिल्ली की निर्भया मामले के बाद सरकार ने इस योजना को शुरू किया है, जिससे महिलाओं का सफर आसान और सुरक्षित हो, जिसके लिए राज्य ट्रांसपोर्ट विभाग ने प्राइवेट वाहनों में भी पैनिक बटन और GPS सिस्टम को लगाने कंपलसरी करार दिया है। 31 दिसंबर यानी कल से अगर डिवाइस नहीं इंस्टॉल किया गया तो FC अपडेट नहीं होगा के फैसले से नाराज प्राइवेट ट्रांसपोर्ट संघ ने ट्रांसपोर्ट मंत्री रामलिंग रेड्डी को लिखा है लेटर। अब देखना है कि क्या व्हीकल लोकेशन और ट्रैकिंग डिवाइस का कितना पालन करते हैं प्राइवेट वाहन मालिक, क्योंकि ये महिलाओं के साथ साथ सबकी सुरक्षा का भी सवाल है। BJP राज्य अध्यक्ष और एक्स CM बाप बेटे पर भड़के MLA यतनाल। बीजापुर MLA यतनाल दानम्मा देवी यात्रा उत्सव में बात करते हुए फिर एक बार येडियुरप्पा और विजेंदर बाप बेटे पर जमकर हल्ला बोला। यतनाल ने, मैंने पहले ही कहा था कि बाप बेटा नौटंकी मत करें, आपकी नौटंकी अब नहीं चलेगी, अब आमने सामने की लड़ाई है। वो चाहते हैं कि सब अधिकार उनके बच्चों को ही मिले, अगर और कुछ बचा है तो उनके घर के बिल्ली जानवरों को भी दे दे अधिकार, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे क्षेत्र का अच्छा हो बस यही काफी है, कहा यतनाल ने। मुझे डराने के लिए ब्लैकमेल कर रहे हैं, भले ही तुम मुझे ब्लैकमेल करने आओ, मेरे पास भी तुम्हारा बहुत कुछ है। इस मौके पर DK शिव कुमार पर भी जमकर बरसे MLA यतनाल। शहरी विकास मंत्री DK शिव कुमार का नाइट सिटी राउंड। बेंगलुरु के SP रोड के पास खराब रास्ते, गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के कई इलाकों का राउंड्स तो चिकापेटे के करीब किलारे सड़क RT स्ट्रीट का रास्ता AS आचार्य टैपिंग कैप। कामगारियों का जायजा लेकर जल्द इन कामों को पूरा करके जनता को राहत देने अधिकारियों को हिदायत दी। बारीकी से कामों का जायजा लेकर शहरी विकास मंत्री और डेप्यूटी CM DK शिव कुमार ने सिटी राउंड्स करके नींद उड़ाई ऑफिसर्स की। मंत्री जी ने धारवाड़ यूनिवर्सिटी में जादू टोना की वारदात। शिक्षा का विश्वविद्यालय धारवाड़ यूनिवर्सिटी में इतिहास और शासन शास्त्र विभाग में जादू की गुड़ी नींबू कुमकुम फेंक कर जादू टोना करने से प्रोफेसर और स्टाफ खौफ के माहौल में हैं, तो प्रोफेसर के चेंबर में जादू टेबल पर जादू मंत्रों का सामना, जिससे डॉक्टर रामा गुंडू राव हैं परेशान। जिला SP के नेतृत्व में रेड। विजयनगर जिला में नोटों के लाखों लाखों रुपयों के गट्टे लेकर स्पेट गैम्बलिंग खेलने की जानकारी और आए दिन गैम्बलर्स की बढ़ती तादाद और गैरकानूनी काम पर रोक लगाने विजयनगर जिला SP हरि बाबू ने खुद इस छापामारी की अगुवाई करते हुए ये रेड की, जो सुनसान जगह पर राज्य के अलावा बाहर से भी लोगों को बुलाकर ये गैरकानूनी खेल खेल रहे थे। रेड में 3 कारें, लाखों के रुपये और 11 लोगों की गिरफ्तारी की है पुलिस ने। बिना नोटिस घरों को खाली करवाने वाले अधिकारियों की क्लास ली लोगों ने। दावणगेरे
मागनहल्ली सड़क पर रिंग रोड कामगारियों को पूरा करने के लिए अचानक बिना नोटिस जेसीबी से घरों को निकालने पहुंचे दावनगेरे पालिका कमिश्नर रेणुका को, क्या आपके अचानक पुलिस की फौज के साथ आकर हमें डराएंगे तो हम डरेंगे नहीं, हमारा छत ही हमसे छीन लेंगे तो हम कहां जाएंगे, कि जिद पर रहे जनता ने खूब क्लास ली अधिकारियों की, इसके बावजूद भी अधिकारियों ने अपना काम पूरा किया। लॉरी और केएसआरटीसी बस के बीच आमने सामने से टक्कर। बीजापुर जिला सिंदगी रोड कवलगी गांव के पास केएसआरटीसी बस और लॉरी के बीच टक्कर होने का हादसा। बस में सवार कई यात्री घायल, हालांकि किसी के जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। बीजापुर से गुलबर्गा की ओर जा रही केएसआरटीसी बस और गुलबर्गा से बीजापुर आ रही एक लॉरी के बीच आमने सामने से टक्कर होने के चलते ये हादसा हुआ। पुलिस ने घटना की जगह का दौरा कर जांच की। घटना बीजापुर के ग्रामीण पुलिस थाना लिमिट में हुई है। आज रात तक फाइनल होगी निगम बोर्ड की लिस्ट। 25 एमएलए को निगम बोर्ड अध्यक्ष का स्थान तो 4 से 5 एमएलसी को भी मौका मिलने की उम्मीद। 5 से 8 एमएलए सीएम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी बनाए जाने की जानकारी के साथ साथ डेप्यूटी सीएम डीके शिवकुमार के लिए भी 3 से 4 पॉलिटिकल सेक्रेटरी बनाए जाने की बात। कुल 38 से 40 एमएलए को मिलेगा स्थान मान। आज रात तक फाइनल होने वाली निगम बोर्ड और पॉलिटिकल सेक्रेटरी की लिस्ट जारी होने के बाद जो काफी दिनों से चर्चा में है, राज्य की सियासत में नाराज एमएलए को मनाने के लिए क्या क्या किया है हाईकमांड ने, ये तो लिस्ट आने के बाद ही पता चलेगा। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस।